हाँ जी दोस्तों, कई बार ऐसा है यार, हम लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हैं, तो मतलब उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ये है अभी, इसका मैंने साइड कवर खोला है, ये क्लच वाली साइड वाला क्लच प्लेट भी चेंज करी। वीडियो देखनी हो तो देख लेना यार। अभी क्या है, देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ना एक छोटा सा जेट लगा होता है, इसमें एकदम छोटे छोटे से छेद होते हैं यार। ये आपको मैं सही बताता हूँ, ऐसे आंखों से दिखेंगे भी नहीं, ये जो चीज़ है यहाँ लगी होती है। तो मैं भी बताने का मकसद ये है कि यार देखो, कोई कभी भी आप इस चीज़ में ज़रा सा भी वो ना करें कि यार कोई बात नहीं, सर्विस डिले होगी, कोई बात नहीं। तो होता क्या, छोटे छोटे जो छेद होते हैं यार, ये बंद हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है इस वजह से। जैसे प्रॉपर इस पर स्प्रे नहीं डलेगा, या कहीं से भी संभलो, अगर मतलब सर्कुलेशन जो इसका मतलब सिस्टमेटिक बना हुआ है, जो बंदे किसी ने दिमाग लगाया है, तो उस प्रॉपर से हो नहीं पाएगा। यहाँ डॉल से ऑयल जाता है या आता है जो भी है, तो मतलब छोटे छोटे जेट्स बने हुए हैं यार। मेरे को भी आज ही पता लगा, यहाँ छोटा सा जेट लगा हुआ था, फिर मैंने उसको भी क्लीन किया है। तो अभी मैं इसको लगाने लगा हूँ। ये थ्रेड लॉकर आता है यार, तो थ्रेड लॉकर आता है छोटी सी चीज़ है, तो सब कुछ मिट गया हुआ इसका। तो आप कहीं भी मार्केट में जाओगे, थ्रेड लॉकर बोल के लोगे तो आपको मिल जाएगा। ये लॉकटाइट का भी आता है थ्रेड लॉकर, ये पर एरलडाइट का है सच, ये एरलडाइट का है शायद, मुझे अच्छी तरह से वैसे याद नहीं है। तो इसका मकसद यही रहता है, जब इंजन विंजन के अंदर कोई भी पार्ट ऐसे छूट के, पार्ट जो है अगर कहीं इंजन में छूटेगा, तो ये किसी किसी ना किसी गियर में फंसेगा और आपको ये प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह से अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ, इसको मैंने साफ़ कर लिया है किसी नीडल की मदद से। तो इस तरह से दोस्तों, कभी भी इंजन ऑयल में आप ज़रा सा भी ढील ना करते हैं कोई भी है, और इसमें सिंथेटिक ऑयल ही डाले यार। एक्चुअली क्या है, मैंने भी दूसरा डाला था, लेकिन मज़ा नहीं आया उसके साथ, तो भागती नहीं थी गाड़ी इतनी। तो पता नहीं, थोड़ा सर्कुलेशन सिस्टम भी इसका उसी हिसाब से बना होता है, तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान देंगे। तो इसको अच्छे से टाइट कर दे, ज़्यादा टाइट ना करें ताकि थ्रेड ना ख़राब हो जाए। ये एक कास्ट आयरन का बना होता है हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, यही था मेरा मोटिव कि कभी भी इंजन ऑयल डलाने में डिले ना करें।